वेलकम टू फिल्मी बीट। दोस्तों ऋचा चड्ढा ने फाइनली सुशांत की मौत पर निकाला है अपना गुस्सा। एक महीने बाद बोली है ऋचा चड्ढा, डायरेक्टर्स की लगा दी है क्लास, सबको एक एक कर कर भूना है। बताते हैं कि क्या कहा है ऋचा चड्ढा ने अपने एक ब्लॉग में। उन्होंने ब्लॉग की शुरुआत बहुत खूबसूरत की और उन्होंने कहा जिसे समझ आए वो ही पढ़ना। फिलहाल उनकी कुछ बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिल सके और वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म पर बहस तेज हो गई है। कुछ दिनों पहले यूजर्स ने ऋचा चड्ढा को निशाना बनाया था। लोगों का कहना था कि उन्होंने सुशांत को न्याय दिलाने के लिए कुछ भी पोस्ट नहीं किया। अब ऐसे लोगों को ऋचा चड्ढा ने ब्लॉग के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया है। ऋचा ने लिखा है कि सुशांत की मौत पर वो लोग किस तरह से सांत्वना देने का दिखावा कर रहे हैं जो खुद अपने साथ ना सोने वाली एक्ट्रेसेस को रिप्लेस करते रहे हैं। ऋचा ने ट्विटर पर एक ब्लॉग शेयर किया है, इसको कैप्शन दिया है अलविदा दोस्त। साथ में लिखा है कृपया तभी पढ़ें जब आप बदलाव को लेकर गंभीर हों, किसी के लिए द्वेष के साथ नहीं और सबके लिए प्यार के साथ। ऋचा ने साहिर लुधियानवी की लाइनों के साथ ब्लॉग को शुरू किया है। वो लिखती हैं, यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। लिखा है साहिर लुधियानवी के ये शब्द फाहिते की तरह बीते महीने से मेरे कानों में गूंज रहे हैं। ऋचा ने लिखा है कि कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री इनसाइडर्स और आउटसाइडर्स में बटी हुई है। मेरे नज़रिए में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अब पूरा इकोसिस्टम सिर्फ दयालु और क्रूर लोगों में बटा हुआ है। ऋचा लिखती हैं, कई डायरेक्टर्स को एक महीने पहले शौक भरे मैसेजेस शेयर करते देखा, इनमें से कई ने अपने साथ के लोगों की फिल्में रिलीज से पहले ही बर्बाद कर दी। आखिर वक्त पर उन एक्ट्रेसेस को रिप्लेस किया जिन्होंने उनके साथ सोने से मना कर दिया था और कई ने तो बार बार भविष्यवाणी की कि इसका कुछ नहीं होगा। ऐसे ही दूसरों का भविष्य देखने वाले आखिर में अपने चेहरे पर अंडे की भुर्जी बनाकर बैठे हैं। कृपया करें इस तरह के लोग माहौल को संक्रमित करने का काम ना करें। फिलहाल ऋचा चड्ढा का भी सुशांत की मौत पर एक गमगीन पोस्ट आया है और उन्होंने उन लोगों को लपेटा है जो आउटसाइडर्स को इंडस्ट्री में जीना मुश्किल कर देते हैं। फिलहाल आपको वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा एंड ड्रिल यू नो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।